आप जो अगला जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की गणना। तो सबसे पहली बात ये तो बात होगी, दूसरी बात है कि अवयवी कणों की गणना के कुछ नियम है। तो पहली बात तो है कि बेटा जैसे आप लोग मैंने बताया क्रिस्टलीय जालक के बारे में, अब यदि अपन यहाँ पर चार घन ले लिए तो पहला नियम ये है कि यहाँ पर अपन अच्छी तरह से जानते हैं कि एक घन के 8 कोने होते हैं। एक घन के कितने कोने होते हैं? 8 कोने, और इन 8 कोनों पर अवयवी कण उपस्थित है। यदि अपन इस एकक कोष्ठिका को देखें तो ये एकक कोष्ठिका हमने एक रख दी, दूसरी रख दी, तीसरी रख दी, चौथी रख दी। अब इसके ऊपर चार एकक कोष्ठिका, और अब चार एकक कोष्ठिका जब हमने रखी तो आपने देखा कि बेटा इस वाली एकक कोष्ठिका का, इस वाली एकक कोष्ठिका का, और इसके ऊपर चार एकक कोष्ठिका में जो ये अवयवी कण दिखाई दे रहा है बीच में, इन 8 एकक कोष्ठिकाओं के द्वारा क्या रहता है बेटा? ये टच रहता है, अर्थात इसके द्वारा ये आपस में क्या करेगा? टच करेगा। तो इस अवयवी कण का जो योगदान है वो होगा बेटा कितना? यहाँ पर अवयवी कण का जो योगदान है वो होगा इसका 1/8। कितना होगा बेटा? 1/8। तो पहला नियम यही है कि घन के कोनों पर उपस्थित अवयवी कण का जो योगदान होता है वो क्रिस्टलीय जालक में 1/8 होता है, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पर फलक की बात, दूसरा नियम ये है कि फलक, यहाँ देखो ये वाला फलक है, ये भी फलक है, ये भी फलक है। यदि हम एक अवयवी कण को इस प्रकार से व्यवस्थित करें तो इस एकक कोष्ठिका में और इस एकक कोष्ठिका दोनों को ये क्या कर रहा है बेटा? दिखाई दे रहे हैं दोनों के कोष्ठिकाओं से इसका जो योगदान हुआ वो है बेटा फलक का जो योगदान है। पहली बार है कोनों का योगदान, जो कोनों पर उपस्थित है, कोनों का जो योगदान है वो है बेटा 1/8। कितना? 1/8। और फलक का जो अवयवी कण है, फलक का योगदान है वो बेटा है बेटा 1/2। तो फलक अपन जानते हैं बेटा कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। अब अगला जो पॉइंट आता है इसके अंदर, यदि कोई अवयवी कण इन एकक कोष्ठिका के केंद्र में उपस्थित होता है तो उसमें किसी दूसरी एकक कोष्ठिका का कोई योगदान नहीं रहता, वो स्वयं का योगदान रहता है। चौथी बात आती है बेटा इसके अंदर, मतलब केंद्र के अवयवी कण का जो योगदान है वो कितना होगा बेटा? 1 होगा। अब यहाँ पर लास्ट जो टॉपिक होता है वो किनारे का होता है। अपन जानते हैं ये इसके किनारे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, इनको आप लोग किनारा बोलोगे। यदि अपन क्या करें 1, 2, 3, 4 चार एकक कोष्ठिका एक साथ लगे तो यहाँ पर इस किनारे को देखो तो एक इसके ऊपर हुआ, एक इसके ऊपर हुआ। इन किनारों का जो योगदान होगा, किनारे का योगदान बराबर बेटा आएगा 1/4। तो बात समझ में आई, कोनों का योगदान 1/8 होता है, घन के कोनों का योगदान। फलक का योगदान 1/2 होता है क्योंकि 2 एकक कोष्ठिकाओं से ये स्पर्श करता है। केंद्र के अवयवी कण का किसी से कोई योगदान नहीं होता क्योंकि एक एक कोष्ठिका के अंदर एक अवयवी कण उपस्थित होता है, तो दूसरी एकक कोष्ठिका से इसका कोई लेना देना नहीं है। किनारों की बात करें तो अपन जानते हैं कि 1, 2 और 2 इसके ऊपर लगे तो इस वाले किनारों को 4 एकक कोष्ठिका ने छू रखा है, इसलिए योगदान हुआ 1/4। कितना हुआ बेटा? 1/4। तो ये इसके कुछ नियम है। फिर उसके बाद जो अगला बिंदु बनता है, आप लोगों को SCC में, BCC में, XCC में, ECC में अवयवी कणों की गणना करनी होती है। तो सबसे पहली बार अगला पॉइंट आप लोग डालेंगे बेटा SCC, नंबर 1 SCC में अवयवी कण की गणना, अवयवी कण की गणना। तो अपन जानते हैं कि सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे SCC की। SCC का मतलब साधारण एकक कोष्ठिका, जिसको आप लोग साधारण एकक कोष्ठिका बोलोगे या फिर अपन बोलेंगे सिंपल एकक कोष्ठिका, सिंपल वाली। ये एक अवयवी कण, दूसरा अवयवी कण, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और कौन सा रह गया? ये वाला 8वां। अब अपन जानते हैं SCC के अंदर जालक बिंदुओं की संख्या 8 होती है। तो अब योगदान की बात करो तो कितने कोने हैं इसके अंदर बेटा? SCC में अवयवी कण बराबर कितने कोने हुए SCC में? तो अपने SCC में हुए बेटा 8। तो कितने क्या हुए बेटा? कोने 8 कोने। तो इनका योगदान क्या हुआ बेटा?
इंटू एक बटा आठ प्रति कोना अवयवी कण का योगदान। आई बात समझ में? अपन आठ कोने इंटू एक बटा आठ प्रति कोना परमाणु या अवयवी कण का योगदान। यदि अपन सरल करना चाहें तो आठ इंटू एक बटा आठ बराबर कितना आएगा बेटा? एक। तो मोटी सी बात समझने की कि एस सी सी में अवयवी कण की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? आठ इंटू एक बटा आठ बराबर एक। तो ये तो था हमारा एस सी सी में। अगली बात करें कि भाई अपनों को अगला स्ट्रक्चर अगली जो एकक कोष्ठिका है, समझ में, ये तो समझ में आ गया होगा। अगली एकक कोष्ठिका है कौन सी? एफ सी सी। अगली एकक कोष्ठिका हम कह सकते हैं बेटा, अगला पॉइंट होगा अपना एफ सी सी में अवयवी कणों की गणना। तो एफ सी सी के अंदर आप लोग अवयवी गणना, सबसे पहले आप लोगों को एफ सी सी की स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी कि एफ सी सी की संरचना के अपन जानते हैं। एक घन के आठों कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक पर यदि अवयवी कण उपस्थित है तो उसको बोलोगे इस स्ट्रक्चर को एफ सी सी। तो एक अवयवी कण कोनी पे लगा दे पहले, तो आठ ये लगा दिए आप लोगों ने, आठ अवयवी कण। अब फलक पर, एक फलक ये वाला, एक इस पर, एक इस पर, एक इस पर, एक अपने आमने और एक सामने, तो टोटल जालक बिंदु कितने हो गए बेटा? 14, उनको छोड़ो। अब एफ सी सी में अवयवी कण बराबर, अब सुनो, घन के आठ कोने तो हैं, तो आठ कोने क्या है बेटा? आठ कोने इंटू एक बटा आठ प्रति कोना परमाणु या अवयवी कण बोल सकते हैं, प्रति कोना अवयवी कण का योगदान प्लस कितने फलक है? और योगदान पर छह फलक होते हैं, छह फलक इंटू एक बटा दो प्रति फलक अवयवी कण का योगदान। तो अब बात समझ में आई कि सरल करें अपन सरल हो गए तो बेटा एफ सी सी में आ गए बेटा आठ इंटू एक बटा आठ प्लस छः इंटू एक बटा दो। तो आप टोटल अवयवी कण कितने आ गए बेटा? चार। कितने आए? चार। तो एफ सी सी के अंदर अवयवी कणों की संख्या आठ कोने पर है, तो आठ कोने इंटू एक बटा आठ प्रति कोना परमाणु अवयवी कण का योगदान प्लस छः फलक इंटू एक बटा दो प्रति फलक अवयवी कण का योगदान। तो टोटल अपन सरल करेंगे तो यहाँ पर एफ सी सी के अंदर अवयवी कणों की संख्या कितनी हुई बेटा? चार। तो अगला जो टॉपिक है हमारा कौन सा होगा? अगली एकक कोष्ठिका है बी सी सी। कौन सी? बी सी सी। बी सी सी में अवयवी कणों, बी सी सी में अवयवी कणों की संख्या। तो बेटा सबसे पहली बात है कि अपन इनकी स्ट्रक्चर बनाएंगे बी सी सी की, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसको हिंदी में बोलेंगे अपन बी सी सी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एक अवयवी कण, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, सातवां और ये आठवां। अब इसके केंद्र में एक अवयवी कण होता है, तो जालक बिंदु होते हैं बेटा टोटल 9। अपन कह रहे हैं वही बात कि बी सी सी में अवयवी कण की संख्या, तो आठ कोने इंटू एक बटा आठ प्रति कोना परमाणु का योगदान। अब यहाँ पर फलक पे नहीं है तो इस वाली लाइन को अपन हटा देंगे। हटा दिया तो क्या है इसके अंदर? एक अवयवी कण का है प्लस एक केंद्रित कण, अवयवी कण बोलो कुछ भी बोलो, इंटू योगदान क्या हुआ? एक केंद्रित कण का योगदान। अब आप देख सकते हो तो आठ इंटू एक बटा आठ प्लस एक इंटू एक बराबर कितना आया बेटा? 2। तो अपन कह सकते हैं बेटा बी सी सी में अवयवी कणों की संख्या कितनी आ गई? 2। समझ में आ गई? तो यहाँ पर ये बी सी सी की संरचना हुई। तो आप लोग अच्छी तरह से, फिर आप बी सी सी में जालक बिंदु तो 9 होते हैं लेकिन अवयवी कण 2 होते हैं। एफ सी सी में जालक बिंदु 14 होते हैं लेकिन अवयवी कण की संख्या 4 होती है। एस सी सी में जालक बिंदु 8 होते हैं लेकिन अवयवी कण 1 होता है। अगला जो पॉइंट है लास्ट वाला, जिसको बोलोगे ई सी सी में अवयवी कण, एंड सेंटर्ड
क्यूबिक यूनिट सेल अर्थात ईसीसी में अवयवी कण। अपन जानते हैं बेटा ईसीसी के अंदर संरचना देखे तो एक अवयवी कण फलक इस पर है तो इसके अपोजिट फलक पर रहेगा, यहाँ है तो यहाँ रहेगा, एक यहाँ है तो इसके साथ ही रहेगा। तो ईसीसी में अवयवी कण की गणना बराबर 8 कोने इनटू यहाँ पर अब केंद्र में नहीं है बेटा, अब केंद्र में नहीं है तो कहाँ पर है, किन्हीं दो फलकों पर है। अब किन्हीं दो फलकों पर है तो हम कह सकते हैं कि कितने फलक है इसके, 6 फलक नहीं है, 6 फलक तो है लेकिन अवयवी कण कितने हैं, दो। तो यहाँ पर कह सकते हैं बेटा दो फलक, सही है, दो फलक अवयवी कण इंटू 1/2 प्रतिफलक परमाणु का योगदान, या कह सकते हैं प्रति कण का योगदान शॉर्ट रूप में ये लिख दे, कोई दिक्कत नहीं हो तो बाद में करते रहेंगे, वही की बात होगी पहले वाली योगदान। तो बात वही होगी बेटा 8 × 1/8 प्लस 2 × 1/2 बराबर टोटल कितने हुए बेटा, यहाँ पर भी अवयवी कण कितने आ गए, दो। तो ईसीसी में अवयवी कण 2, एफसीसी में 4, बीसीसी में 2 और एससीसी में 1 होता है। अब बात है कि आप इतनी देर की क्लास हुई इसमें आप समझ में आया ये अवयवी कणों का क्या लेना देना है, किस प्रकार का कोई प्रश्न आता है क्या आता है समझ में नहीं आ रही, ये इसका क्या काम करे। तो सबसे पहली बात है इसके अंदर जो प्रश्न पड़ता है आपसे प्रश्न बोलना जाता है कि भाई किसी क्रिस्टलीय जालक में एक कण उसके फलक पर वे बी कण उसके कोनों पर उपस्थित है तो क्रिस्टलीय जालक में यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करो। तो बात समझ में आई बेटा, किसी क्रिस्टलीय जालक है, जालक में एक कण उसके फलक पर उपस्थित है, वह बी कण उसके कोनों पर उपस्थित है तो क्रिस्टलीय जालक है उसमें जो यौगिक बना हुआ है उसका अणुसूत्र आपको ज्ञात करना है। तो अपन सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाएंगे, अब स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो तो ये आपने एक घन बनाया और घन बनाने के बाद देखो क्या बोल रहा है, किसी क्रिस्टलीय जालक में एक कण उसके फलक पर है, तो फलक एक कण हमने ये जमा दिया ए, ये जमा दिया दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, हो गया बेटा। तो अपन ने एक कण को तो जमा दिया उसके फलकों पर और फिर क्या बोला बेटा, बी कण कोनों पर उपस्थित है, तो बी को हमने जमाया, बी जमा दिया, ये बी जमा दिया, ये बी जमा दिया, यहाँ पर भी बी जमा दिया, यहाँ पर बी जमाया, ये बी जमाया, तो 8 तो बी हो गए आपके। अब यहाँ पर सबसे पहले कि आप लोग बी कण की संख्या, यहाँ पर अपन कहेंगे बेटा ए कण की संख्या। अब एक कण की संख्या है तो एक कण कहाँ पर उपस्थित है, फलक पर, तो अपन कह सकते हैं बराबर 6 फलक, सही है, 6 फलक इंटू 1/2 प्रतिफलक परमाणु का योगदान। तो अपन कह सकते हैं कि एक कण बराबर कितना आएगा बेटा, अरे 3 आया ना, कितना आ गया 3। तो यहाँ पर एक पहली कंडीशन तो यह आ गया बी कण की संख्या हम ज्ञात करें, बी कण की संख्या तो बी कण कहाँ पर उपस्थित है, घन के कोनों पर उपस्थित है, तो 8 कोने बोलो या किसी भी लिखो इंटू 1/8 प्रति कोना परमाणु का योगदान, तो बराबर संख्या आएगी बेटा हमारी 1। क्या आ गई, 1 आई। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर ए को जमाया और बी को जमाया, ए की संख्या कितनी आई 3, तो सूत्र हो जाएगा
A3B1 या हम कह सकते हैं सीधा का सीधा A3B, ये इस यौगिक का क्या हो गया बेटा, अणु सूत्र हो गया। अब आप केंद्र में कोई उपस्थित है या फिर आप लोगों से पूछे बेटा, किसी भी प्रकार से पूछे किनारों पर उपस्थित है तो, क्योंकि किनारा हमारे सिलेबस का नहीं है, आगे पढ़ोगे कि अपने 12th में किनारे के बारे में कोई सवाल नहीं है, ना किनारे का कोई नियम है, आप लोग नियम पढ़ के देखना। यदि किनारा के भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, चार किनारे एक योगदान आपको बताया मैंने 1/4, और 1/4 के हिसाब से आप लोग अव्यवी कण की गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सवाल बनेगा तो अपन कह सकते हैं कि जो जालक में यौगिक का अणु सूत्र है वो है बेटा A3B1, बोलो ये B1 की जरूरत ही नहीं है, तो A3B इस प्रकार का इसका होगा। तो ये है आप लोगों का बेटा, मैंने आपको बता दिया फिर वापस कि अव्यवी कण SCC के अंदर 1, BCC में 2, FCC में 4, ECC में 2 होते हैं। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर अव्यवी कणों की गणना कर लेते हैं।